वेलकम टू टेकबल्क। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक्टिव टॉपिक की, वो है गूगल प्लस। क्या आप जानते हैं कि क्या है गूगल प्लस और क्यों गूगल कर रहा है इसे बंद? जानेंगे सारी बातें इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देखते रहिए टेकबल्क। गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे सन 2011 में शुरू किया गया था। इसे गूगल बस से रिप्लेस कर दिया गया था। शुरुआत में इसके यूज़र 450 मिलियन तक पहुंच गए थे, पर इसके खराब इंटरफेस के कारण सन 2015 में केवल इसके 11 करोड़ एक्टिव यूज़र ही रह गए थे। और यह इतना फेमस नहीं हुआ और इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन घटती जा रही थी। गूगल ने पिछले साल इसे बंद करने की बात कही थी, पर हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पर सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल प्लस को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। गूगल प्लस कंज्यूमर्स के लिए 2 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया जाएगा और गूगल ने बताया कि 2 अप्रैल से गूगल प्लस के सारे कंटेंट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया जाएगा। अगर यूज़र ने किसी फोटो या वीडियो का बैकअप लिया है तो वो डिलीट नहीं होगा। गूगल ने ये फैसला इसलिए लिया है कि गूगल प्लस में बग हैं जिसकी वजह से उनके 5 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र का डाटा लीक हो गया है। इस वजह से गूगल इसे बंद कर रहा है। गूगल के एक स्पोक पर्सन ने बताया कि गूगल प्लस को बनाने से लेकर मैनेज करने तक कई चैलेंज थे। इसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, पर इसका यूज़ कम होता है। यही गूगल प्लस की शटडाउन होने की मेन वजह है, पर इसके बंद होने के और भी कारण हैं, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। पहला रीज़न है फेल टू कम्पीट विद फेसबुक। गूगल ने गूगल प्लस को सोशल मीडिया साइट फेसबुक को टक्कर देने के लिए बनाया था। जब गूगल प्लस लॉन्च हुआ तो इसका कोई क्लियर प्लान नहीं था और फेसबुक से फाइट करने के लिए कोई बिग मिशन नहीं था। गूगल को लगता था कि वो उन सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को टक्कर दे सकते हैं जो लास्ट ईयर से पॉपुलर हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसका बोरिंग डिज़ाइन। इस साइट को चलाते ही यूज़र कुछ टाइम बाद बोर हो जाता था। इसमें वो इंटरेस्ट नहीं था जो फेसबुक और ट्विटर में है। ओल्ड डिज़ाइन की वजह से यूज़र इसे लीव कर देते थे। साथ ही इसके फीचर को नए यूज़र को समझने में काफ़ी टाइम लगता था। इसका तीसरा रीज़न है बैड मोबाइल एक्सपीरियंस। जहाँ फेसबुक और ट्विटर क्लियर मोबाइल ब्राउजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, वहीं गूगल प्लस का मोबाइल वर्जन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसका इंटरफेस फेसबुक और ट्विटर को टक्कर देने के लिए इनफ नहीं था, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा कम यूज़र इंटरेस्ट लेते थे। इसका अगला रीज़न है फेल टू ऑफर समथिंग न्यू। मतलब फेसबुक और ट्विटर अपने कस्टमर को नए फीचर्स, डिज़ाइन, सिक्योरिटी के अपडेट देते रहते हैं। इससे यूज़र का बिलीव बढ़ता है और वो साइट को लाइक करते हैं, पर गूगल प्लस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी कोई भी अपडेट नहीं आती थी, ना ही इसके कोई फीचर अपडेट होते थे। इसका पांचवा और बड़ा रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस। गूगल दुनिया का टॉप सर्च इंजन है और लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी हर सर्विस टॉप पर रहे। पर गूगल एम्प्लॉयज़ को लगता था कि वो 7 साल पुराने सोशल मीडिया साइट फेसबुक को इजीली से टक्कर दे सकते हैं और यही विश्वास उन्हें ले डूबा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ।